हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन डिजिटल लॉजिक कोर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिकोडर के बारे में सीखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इट टेक्स एन इनपुट लाइंस एंड प्रोड्यूस 2 to the power n आउटपुट लाइंस। सो हियर वी कैन से दैट डिकोडर इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनकोडर। वन आउटपुट एक्टिव एट अ टाइम। डिकोडर में क्या है कि जो आउटपुट्स होंगे उसमें कोई एक आउटपुट विल बी एक्टिव बेस्ड ऑन दी इनपुट लाइंस। बट इनकोडर में क्या था, इनपुट लाइन एक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होता था। सो हियर वी हैव 2x4 इनकोडर डिकोडर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 2x2 to the power 2 डिकोडर। सिर्फ 2 इनपुट लाइन I0 एंड I1, 4 आउटपुट लाइन O0, O1, O2 एंड O3। इसके लिए हम लोग ट्रुथ टेबल को यहाँ पे देखेंगे। सो हियर वी हैव ट्रुथ टेबल फॉर 2x4 डिकोडर। इफ इनपुट इज 00 देन आउटपुट इज कमिंग 1000, मीन्स O0 इज हाई एंड रिमेनिंग बिट्स और आउटपुट बिट्स आर लो। If input is 01, then O1 is active. If 10, then O2 is active. Similarly, for 11, O3 is active. So this is the basic concepts of decoder. इसके लिए हम लोग implementation को देखेंगे. So suppose this is I1. एंड इसका हम लोग नोट गेट भी लें। सो एंड उसी तरह से I0 एंड इसका भी हम लोग नोट पार्ट को कंसीडर करें। O0 इज एक्टिव फॉर इनपुट वैल्यू 00। इट मीन्स दैट यहां से हम लोग क्या लेंगे, I0 कॉम्प्लीमेंट एंड फ्रॉम हेयर I1 कॉम्प्लीमेंट एंड दिस विल बी एंड। सो दिस इज नथिंग बट I0 कॉम्प्लीमेंट एंड I1 कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू आउटपुट O0। उसी तरह से हम लोग आउटपुट 1, आउटपुट 2 एंड आउटपुट 3 के लिए डिजाइन करेंगे। सो दिस इज एक्टिव फॉर I0 1 एंड I1 0। सो I0 इज हाई मीन्स दिस विल बी कंसिडर्ड एंड दिस इज लो। सो हियर एंड ऑपरेशन। सो दिस विल प्रोड्यूस I1 कॉम्प्लीमेंट एंड I0। This is nothing but output 1. Similarly for O2 and O3. O2 के लिए क्या है, I1 is high. So this will be considered. And I0 के लिए क्या है, 0. So this will be considered. So this will produce I1 and I0 complement. And this is nothing but O2. And finally we are having O3, so both are high. So this is I1, I0. So this is the hardware implementation for decoder, which have 2 input lines and 4 output lines.